दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आए दिन गोलीबारी और आतंकी घटनाओं के कारण खबरों में रहने वाले मध्य पूर्व के सबसे विवादास्पद क्षेत्रों में से एक गाजा स्ट्राइप यानी गाजा पट्टी के बारे में। गाजा पट्टी पर विवाद की शुरुआत 1947 में यूएन द्वारा फिलिस्तीन को यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम देश फिलिस्तीन में बांटने के बाद हुई। गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। इसके एक ओर भूमध्य सागर और दूसरी ओर इजराइल है। इसका एक हिस्सा मिस्र को भी छूता है। लगभग 235 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैली गाजा स्ट्राइप की आबादी 20 लाख के करीब है, जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं। वर्ष 2007 से ही गाजा पट्टी पर इसराइल विरोधी इस्लामी आतंकी संगठन हमास का कब्जा है, जिसे फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा मान्यता दी गई है। वर्ष 2007 के अंत में इसराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया। इसराइल ने गाजा पट्टी पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं।